कल हमने क्या पढ़ा था? कंजंक्शंस, कनेक्टर्स। तीन टाइप्स मैंने इसमें बताया था आपको, कोरिलेटिव्स, कोऑर्डिनेटिंग, देन सबऑर्डिनेटिंग। क्लियर? सो कोरिलेटिव कंजंक्शंस में आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट जो कंजंक्शंस पेयर में चलते हैं वो कोरिलेटिव कनेक्टर्स होते हैं। क्लियर? और उसके बाद जो सबऑर्डिनेटिंग और आपका कोऑर्डिनेटिंग होते हैं उसमें सिंगल वाले भी आ जाते हैं। क्लियर? तो कोरिलेटिव्स की मैंने आपको यस्टरडे आई गेव यू व्हाट द लिस्ट, है ना, पूरी मैंने आपको लिस्ट बताई थी कि किसका फॉलोअर क्या होता है बेसिकली। तो कंजंक्शंस पे मेनली जो प्रॉब्लम्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो इसी पे ही आते हैं, जैसे इधर के साथ लगता और है दे देगा नॉर, तो उल्टा पुल्टा करेगा। तो एक बार आप इसको रीड करिए, ठीक है, रीड ऑल द कनेक्टर्स, ऑल द फॉलोअर्स, किसका कंजंक्शंस कौन सा है, और कुछ इस पे हम सेंटेंसेस बनाएंगे फिर आज, और कुछ आप भी सेंटेंसेस खुद से बनाओगे। अजय रहा था लिखना थोड़े से वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड लिखेंगे ट्रेचरस, एग्जास्पोरेटेड, ये पंजाब एग्जाम में हिट हुआ वर्ड, deleterious, notorious, nefarious, salubrious, नेक्सेस, क्रक्स, फाइट, शाय ऑफ, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कोई आपकी नॉलेज में हो? वेरी गुड, वेरी गुड। ये दोनों सेम है, ये भी मैंने नया वर्ड बता दिया, ये तो शायद आपके बैच में पहले भी करवाया मैंने, है ना। नोटोरियस, निफेरियस, बोथ आर सिमिलर, सेम है आपस में, एक इससे थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक होता है एट्रोसियस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रेचरस, किसी को पता हो? ट्रेचरस, या कई बार समटाइम्स ऐसे भी आ जाता है ट्रेचरसली, एडवर्ब फॉर्म भी आ जाती है। क्लियर? सो ट्रेचरस मीन्स होता है बेसिकली विश्वासघात करना, धोखा देना, ठीक है। तो हम इसका मीनिंग ले लेंगे इंग्लिश में, बी अनफेथफुल, बी अनफेथफुल। वैसे ये मैंने आपको वर्ड बताया, अगर इसके लिए इडियम की बात की जाए तो इडियम इसका ये होता है बेसिकली, मुहावरा इस पे हम ये लिखते हैं, टू प्ले फास्ट
एंड लूज, इसका मीनिंग भी सेम वही है, बी अनफेथफुल, ठीक है। लेकिन द थिंग इज टू प्ले फास्ट एंड लूज एज ए इडियोमेटिक टर्म यूज किया जाता है और ये एक वोकैब का वर्ड है, ठीक है जी। मीनिंग सेम है, इसका मीनिंग भी वही है, ट्रेचरस का मीनिंग भी सेम है, दैट इज विश्वासघात, किसी के लिए किसी का किसी को धोखा देना, क्लियर। उसके बाद एग्जास्परेटेड, एग्जास्परेटेड एक और वर्ड इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं, दैट इज इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड इन्फ्यूरिएटेड। सो एक्सास्परेट और इन्फ्यूरिएट बोथ आर सिमिलर टू इच अदर, इन्फ्यूरिएटेड एक्सास्परेटेड सेम होते हैं, इन दोनों का मीनिंग लिख लो एंगर, गुस्सा। क्या मीनिंग होता है दोनों शब्दों का? एंगर। अच्छा डांटने को क्या बोलते हैं? हाँ जी डांटने को क्या बोलते हैं इंग्लिश बताओ? चाइड। इन्होंने अच्छा वर्ड बताया, नया वर्ड बताया। वैसे जनरल वर्ड क्या यूज करते हैं लोग पता नहीं डांटने का? नहीं नहीं स्कोल्ड नहीं सुना, स्कोल्ड स्कोल्ड होता है बेसिकली जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं, ठीक है, अपने टॉक में। तो आप ये वर्ड ऐड कर लो, स्कोल्ड। वोकैब है नहीं, फिर वोकैब थोड़ी अच्छी करो, ऐसे कैसे होगा? स्टेट के एग्जाम में वोकैब भी आती है, स्कोल्ड बोल सकते हो, जो आपने बोला चाइल्ड वो भी बोल सकते हो। एक रिब्यूक करके भी होता है, आर ई बी यू के ई, ये तीनों सेम है वर्ड आपस में, ठीक है। अब देखो ना इसका मैंने क्या मीनिंग बताया, एग्जास्परेटेड और इन्फ्यूरिएटेड एंगर, और उसका मैंने बताया डांटना। अब मैं इस पे एक सेंटेंस आपको लिखवाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। लिखिए द इन्फ्यूरिएटेड मदर, द इन्फ्यूरिएटेड मदर स्कोल्डेड हर सन, द इन्फ्यूरिएटेड मदर स्कोल्डेड हर सन मींस एंग्री मदर, गॉट इट? क्लियर। सो एक्सास्परेटेड भी हमने यहाँ पे, इन्फ्यूरिएटेड मैंने यहाँ पे यूज किया, क्लियर। सो द इन्फ्यूरिएटेड मदर स्कोल्डेड हर सन, सो स्कोल्डेड भी मैंने उसमें यूज कर लिया और आपका इन्फ्यूरिएटेड भी यूज कर लिया, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज डिलेटेरियस, इन्होंने बिल्कुल सही बताया था, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का वर्ड है ये, ध्यान रखना। इसका मीनिंग होता है हार्मफुल, हार्मफुल। थोड़ा वर्ड्स पे मेहनत करो, फायदा होगा, ठीक है। डिलेटेरियस शब्द का मीनिंग होता है हार्मफुल। एक और वर्ड नया ऐड कर लो, दैट इज रेजिलियंस, रेजिलियंस। नोटोरियस और नेफेरियस, आपने हिंदी में सही बताया था मीनिंग, जो आपने बताया, ठीक है। नोटोरियस और नेफेरियस दोनों ही शब्द सेम है, भांजी आप बताओ ये क्या बात हुई? तो याद नहीं आ रहा है, वैसे पता है। अच्छा तो पेपर में ऐसे करोगे बाहर आके? ये अंदर मुझे याद नहीं आया, अब याद है, ऐसे ना करो तुम लोग। इनफेमस होता है ये, बोल तो रहे हैं हिंदी में कुख्यात। अरे कोई लोग ना ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड वाइड बड़े पॉपुलर होते हैं, लेकिन अच्छे कामों के लिए, बुरे के लिए। जैसे टेररिस्ट नहीं होते, तो जितने भी ये टेररिस्ट होते हैं उनके नाम से पहले हम यूज़ करते हैं शब्द को। अगर आप बीबीसी न्यूज़ सुनोगे, ठीक है, तो न्यूज़ में ऐसे बोलता है द नोटोरियस टेररिस्ट, कुख्यात आतंकवादी। तो ये जो नेफेरियस और नोटोरियस होते हैं, सोशली मतलब बदनाम लोग होते हैं ये, सोसाइटी में ना इनका कोई वो नहीं होता, रेपुटेशन नहीं होता। देखो नोन, एग्जैक्ट मीनिंग लिखना आपने इंग्लिश टू इंग्लिश, नोन एंड डिसरिस्पेक्टेड, नोन एंड डिसरिस्पेक्टेड। अच्छा फिर जो एक ऐसा भी पर्सन होता है जो नोन होता है बट सोसाइटी में जिसका रिस्पेक्ट होता है, उसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, ये पढ़ते हैं एमिनेंट, एमिनेंट होता है हिंदी में हम उसको बोलते हैं विख्यात, ठीक है, फेमस या फेमस, पॉपुलर, रिनाउंड, रिनाउंड भी होता है प्रसिद्ध। आई वॉन्ट टू बी ए रिनाउंड सिटीजन ऑफ माई नेशन, सो रिनाउंड वी कैन से, पॉपुलर वी कैन से, फेमस वी कैन से, और मैंने लास्ट वर्ड जो इन्होंने इसका ऑपोजिट, एग्जैक्ट जो ऑपोजिट है, दैट इज एमिनेंट, ये लिख लो। एमिनेंट मीन्स नोन एंड रिस्पेक्टेड, ठीक है, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी होता है और जो नोन भी होता है,
वो होता है आपका एमिनेंट। क्लियर, बोथ आर ऑपोजिट टू इच अदर, रिमेंबर वन थिंग, दोनों के आपको मीनिंग्स भी पता होने चाहिए और समटाइम्स आपको इन दोनों का ये भी पता होना चाहिए कि बोथ आर व्हाट, ऑपोजिट टू इच अदर। क्लियर, कुछ एग्जाम्स में एग्जामिनर इनका ऑपोजिट पूछ लेता है, कई ऐसे वर्ड होते हैं जो बड़े वो होते हैं कि मतलब जैसे एक्विट का कन्विक्ट होता है, ये बड़ा पॉपुलर पेयर है, पूछा जाता है एक्विट कन्विक्ट, है ना, ऑपोजिट में पूछता है। एक फिर आपने पढ़ा होगा, एक होता है अप्रेंटिस बंदा, जिसको हम बोलते हैं नोवाइस, किसी को पता हो, बिगनर, वेरी गुड। नोवाइस वो इंसान होता है जो लर्नर होता है, फ्रेशर होता है ना, लर्नर वीकेंड से, बिगनर वीकेंड से, फ्रेशर वीकेंड से, अनप्रोफेशनल वीकेंड से, और एक और भी बोलते हैं इनएक्सपीरियंस्ड, सिंपल सी बात है। क्लियर, इसका भी मीनिंग नहीं आता, इसका ऑपोजिट पूछता है, क्या ऑपोजिट हो सकता है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नोवाइस, देगा नहीं ना ऑप्शन में। अब ये वही बात है, ये आपने एक सेंस से बना दिया लेकिन एग्जैक्ट नहीं बना, ये समझ रहे हो, नहीं प्रोफेशनल भी नहीं होता, एक्सपीरियंस्ड भी नहीं होता, ठीक है, है ट्रेंड भी नहीं होता, एक्सपर्ट भी नहीं होता, दे कैन बी सिमिलर, मतलब थोड़े थोड़े है वो लग रहा है आपको, बट जो मेन वर्ड है वो नहीं आप बोल रहे, जो इसका एग्जैक्ट है, इसीलिए तो पूछते हैं, इसलिए तो वर्ड यूनिक है, इस तो पूछेगा कुट पे पूछता है, नोवाइस को पूछता है, ठीक है। एक वर्ड आता है स्पोर्ट्स पेज पे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, वेटरन, वी फॉर विक्ट्री वाला आता है, आता है ना, द वेटरन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, सो द वेटरन इसका एग्जैक्ट होता है बेसिकली, ठीक है। सो नोवाइस का जो राइट ऑपोजिट है दैट इज वेटरन। क्लियर, तो नोवाइस इज लर्नर, बिगनर, फ्रेशर एंड वेटरन इज एक्सपीरियंस्ड। फिर आगे लिख लो आप जो आप बोल रहे थे, एक्सपीरियंस लिख लो, प्रोफेशनल लिख लो, ट्रेंड लिख लो, एक्सपर्ट लिख लो, वो सारे इसके हम मीनिंग बना लेंगे, मतलब ये सबसे अच्छे लेवल का वर्ड हमने ढूंढ लिया, समझ रहे हैं आपको बात। क्लियर, तो इससे ऊपर भी हो सकते हैं वर्ड्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये मैंने आपको दोनों बता दिया। अच्छा, ये किसी को पता, रेजिलियंस, वुड यू, रेजिलेंस होता है जो चीज फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल लिख लो, मीनिंग रेजिलेंस इज टू फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड द ऑपोजिट ऑफ रेजिलेंस इज व्हाट, रिजिड, रिजिड, रिजिड इज व्हाट, जटिल, जो चीज हार्ड होती है, स्पार्टन होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, रफ भी आ सकता है, रिजिड रफ आ सकता है, ठीक है। एट्रोसियस, जो इंसान क्रियूल होता है, क्रियूल निर्दयी, जिसके अंदर काइंडनेस नहीं होती, लिख लो, एट्रोसियस मींस काइंडनेस, सॉरी रूडनेस, रूडनेस, रूडली, रूड। एक इससे रिलेटेड एक वर्ड है जो पंजाब एग्जाम में पूछा गया था, दैट इज कैलियस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तो होता है, हाँ मतलब वही हो गया ना, ये भी रूड है, क्रियूल है, तो ये भी वही हो गया, अनकाइंड, ठीक है, हार्डन इन फीलिंग, फीलिंग्स में जो हार्ड है, तो बोथ कैन बी सिमिलर, एट्रोसियस एंड कैलियस कैन बी द सिमिलर टू इच अदर, बट जो ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पंजाब एग्जाम में जो हिट हुआ है वो कैलियस हुआ है, कैलियस वर्ड काफी पूछा जाता है ये भी, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अच्छा, सेलिब्रस किसी को बताओ, हेल्दी, सल्लू से याद रख लेना, हेल्दी इंसान, हिस्ट पुष्ट, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति। नेक्सस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नेक्सस पॉलिटिकली यूज होता है, ठीक है, नेक्सस मीन्स होता है, जैसे हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं हम, सांठ गांठ करते हैं, सांठ गांठ, सांठ गांठ मीन्स व्हाट, कनेक्शन, ठीक है, लिखो मीनिंग एग्जैक्ट, लिखो, एन इंपॉर्टेंट कनेक्शन, एन इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम, एन इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड नेक्सस। क्लियर, क्रक्स, ये तो बहुत कॉमन है, आपको आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, व्हाट इज क्रक्स, वो कैप थोड़ी एनहांस करो,
बात नहीं बनेगी। सिनोनिम्स आते हैं स्टेट के एग्जाम में, वो क्या आपके तो आपके नंबर डायरेक्ट डिडक्ट हो जाएंगे, फिर फायदा क्या है? मतलब जो मुझे लगता है कि ये इस तरह के वर्ड्स स्टूडेंट्स को आने चाहिए, इतनी कर वो क्या आपका लेवल होना चाहिए, ठीक है? बार बार मैं बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर आप रीड करो, फायदा होगा, ठीक है? डेली करंट वर्ड्स के साथ अटैच में रहो, ठीक है? तो तब है, क्योंकि देखो सिनोनिम्स वहाँ आएंगे, एंटोनिम्स वहाँ आएंगे, स्पेलिंग चेक आएगा, इडियम्स आएंगे, अगर आपको नहीं आते होंगे तो एक एक करके एक 10 नंबर की तो आती है इंग्लिश, या 15 की, मैक्सिमम 20 लगा लो आप स्टेट के एग्जाम्स में, है ना? तो उसमें से एक एक करके ऐसे डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स। तो फिर क्या बोलते हैं, मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आपको एक मार्क्स की भी वैल्यू समझनी पड़ेगी कि नहीं यार मुझे लेना है वो। और देखो अगर आपकी वोकैब अच्छी है, इनकी हो रही है इंप्रूव, तो अगर ऐसा कोई वर्ड आ गया वहाँ पे तो आप एकदम से क्लिक करोगे और सीधा एक नंबर बनेगा आपका, है कि नहीं? तो चीज़ों को पॉजिटिव वे में सोचिए, ठीक है? पहले अपनी अजम्पशंस नेगेटिव मत लगाओ, बच्चे बहुत नेगेटिव सोचते हैं पहले, ठीक है? तो क्रक्स होता है बेसिकली थीम, निचोड़, थिंक पॉजिटिव, ठीक है? बिलीव इन पॉजिटिव थिंग्स, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इंप्रूवमेंट आपको लगेगी जब आप चीजों को सही नजरिए से देखोगे। हाँ जी बिल्कुल जी। कंक्लूजन वी कैन से, गिस्ट एक वर्ड होता है GIST करके, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो निकालते हैं ना उसका थीम हम, इसका पैसेज का, व्हाट इज द गिस्ट ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, तो वही होता है मेन पॉइंट्स। हमने जैसे कोई मीटिंग हुई उसका मेन जो निकला निचोड़ क्या निकला, है ना, वही है और क्या है, ठीक है? ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टर्म है, फाइट शाय ऑफ और बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइट शाय ऑफ का मीनिंग होता है टू अवॉइड, इट मीन्स टू अवॉइड, अवॉइड करना, ठीक है? एक एग्जाम्पल आप इस पर नोट कर लीजिए, लिखो वाई डू यू फाइट shy of me, why do you fight shy of me, so it means what, fight shy of को underline करके वहां पे चार options आ जाए, तो आप similar पूछोगे तो क्या meaning पे mark करोगे, avoid पे। अगर यहां पे opposite पूछोगे तो क्या mark करोगे, welcome, लिख लेंगे its opposite is welcome, its meaning is to avoid, meaning to avoid होता है और opposite इसका वेलकम होता है, क्लियर? और बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की टर्म है, इसका मीनिंग मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, देखो ही कैन नॉट सक्सीड इन हिज बिजनेस बिकॉज ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही कैन नॉट सक्सीड इन हिज बिजनेस बिकॉज ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, क्या मीनिंग आप यहां पे लगा रहे हो, वो अपने बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि वो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स के वे से काम करता है, मींस इरेगुलर, ठीक है? वन ही इज नॉट रेगुलर टू हिज वर्क, क्लियर? जो इंसान अपने काम में रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर इसका मीनिंग होता है बेसिकली, ठीक है? कभी इरेगुलर ऑप्शन हमें आए तो आप उसको मार्क करिए, अगर इरेगुलर ना हो तो एक डिफरेंट वे में ऑप्शन आप बना लो, लिख लो विदाउट स्टडी एप्लीकेशन, ये भी ऑप्शन में डाल देता है समटाइम्स, तो विदाउट स्टडी एप्लीकेशन भी वही हुआ, मींस बंदा अपने काम में रेगुलर नहीं है, क्लियर? सो ऑप्शंस को थोड़ा घुमाया भी जा सकता है। हाउ मेनी वर्ड्स आ देयर, कितने हो गए, 15, तो इनको आप टेक 5 मिनट्स रिवाइज करो। नेक्स्ट थोड़ा कंजंक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये आपने रीड कर लेना, वो कैब जो मैंने करवाई अभी, ठीक है? मैं 3 वर्ड्स बोर्ड पे लिख रहा हूँ, एक होता है अनटिल, एक होता है अनलेस और एक होता है टिल, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? अनटिल का स्पेलिंग चेक भी आता है, इसमें डबल एल नहीं लगाना कभी भी, अनटिल में सिंगल एल आता है, ठीक है? ध्यान रखना, कोई कई एग्जाम्स में अनटिल की स्पेलिंग भी पूछ लेता है, ओके? तो किसी को पता हो अब तक, वो सो फार होता है अब तक,
जब तक नहीं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यू कैन नॉट सक्सीड बताओ ये सेंटेंस सही है क्यों आएगा अनलेस? यहां पे अनटिल की जगह अनलेस क्यों आएगा? हाँ सेम मीनिंग है, फिर अनटिल की जगह यहाँ अनलेस क्यों आएगा? नहीं सही नहीं है, ये ठीक बोल रहे हैं बट इनको एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्यों बोल रही हूँ। बताओ जी, मीनिंग सेम है दोनों का, जब तक नहीं, मीनिंग सेम है उस हिसाब से इनको लग रहा है ये सही है, लेकिन आपने जो बोला बात वही सही है, यहाँ अनलेस आएगा। क्या मीनिंग है? तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, ये मीनिंग हुआ। अच्छा, इस सेंटेंस के अंदर इन दोनों में से कौन सी चीज शो हो रही है? ये शो हो रहा है या ये शो हो रहा है? कंडीशन है ना, तो ये जो दोनों हैं ये टाइम के लिए आते हैं, और ये जो है कंडीशन के लिए आता है, इसलिए यहां पे ये चीज गलत है। कहेगा शुड बी Got it? तो ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। क्लैरिटी के लिए स्टडी होनी चाहिए कि चीजें क्लियर होनी चाहिए ना मुझे, इसलिए तो मैं पढ़ाई करूंगा ना यार, ठीक है। फिर धुंधलापन मत रखो अपने अंदर, और मोस्टली जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं नॉर्थ इंडियन में धुंधलापन ही है, ठीक है। तो वी शुड लर्न फॉर क्लैरिटी, अब पढ़ किस लिए रहे हो यार? चीजों को क्लियर करने के लिए ना। फिर चीज़ों पे वर्कआउट होना चाहिए। अब देखो मैंने ये चीज़ आपको बता दी, लेकिन अगर आप इस पे जाके घर पे इस पे सोचोगे नहीं, एनालाइज नहीं करोगे, कुछ अपनी तरह से इस तरह के एग्जांपल्स नहीं फॉर्म करोगे, तो इट मीन्स आपने ये पढ़ा है अभी, फिर पता नहीं एक दो दिन बाद आपके माइंड से स्किप हो जाए। चीज़ें क्या मांगती हैं? वर्कआउट। समझ आ रही ना आपको बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। चाहे आप एक दिन के दो ही कॉन्सेप्ट उठाओ, लेकिन उन पर इतना मेहनत होनी चाहिए कि कोई कहीं पे भी सोते उठते जागते, ठीक है, कहीं पे भी किसी ने क्वेश्चनिंग कर दी तो आपको एकदम उसका आंसर आना चाहिए कि हाँ ये है ना। फिर आप जैसे बोलते हो कि मुझे पता है लेकिन याद नहीं है, इसका मतलब वर्कआउट नहीं है। आपने पढ़ा है वो, लेकिन आपने जैसे पढ़ा होगा कहीं उस टाइम तक है वो आपके माइंड में, फिर आपने उस पर वर्कआउट नहीं किया तो आपके माइंड से स्किप हो गया। क्लियर? तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों पे मेहनत करो, ठीक है। टाइम और कंडीशन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, टाइम के लिए अनटिल और टिल लगता है और कंडीशन के लिए अनलेस लगता है, ठीक है जी। अब मैं एक सेंटेंस, जैसे मैं आपको बोलता हूँ आप यार इधर उधर मत जाना जब तक मैं नहीं आया, अब जब तक मैं नहीं आया ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम डिनोट हो रहा है यहाँ पे, क्लियर। तो इसका आप सेंटेंस लिखिए, देखो, डोंट गो हेयर एंड देयर, डोंट गो हेयर एंड देयर अनटिल आई कम, Don't go here and there until I come. अब यहां पे until बिल्कुल करेक्ट है, समझे आपको बात। आपने ध्यान रखना है जब सेंटेंस में कंडीशन होती है तभी हम क्या लगाते हैं? अनलेस। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा जब तक आप मुझे अच्छी सैलरी नहीं दोगे, तो मैं कंडीशन रख रहा हूं ना कि मैं भाई काम नहीं करूंगा जब तक मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, तो ये कंडीशन है। इसमें अगर कहीं अंटिल आ जाए इस तरह के सेंटेंस में तो वो रॉन्ग है। लेकिन एक सेंटेंस लिखो, ही विल नॉट वर्क फॉर यू, ही विल नॉट वर्क फॉर यू अंटिल यू पे हिम हैंडसम सैलरी, ही विल नॉट वर्क फॉर यू अंटिल यू पे हिम हैंडसम सैलरी। So in this particular statement there is what? There is a condition, not time. So that is why here until is absolutely incorrect. So we have to replace until with unless. Clear है आपको? दो example मैंने दे दिए, बाकी आप खुद से और सोचो इस पर कि और कोई ऐसा example बन सकता हो, हिंदी में ही सोच लो, तो आपको वहाँ पर फिट करना आना चाहिए कि मुझे वहाँ पर क्या लगाना है? Unless। और एग्जाम ने इसका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है।
अब इसका ये तो पहला कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम लिख लेना कॉपी पे, टाइम और कंडीशन का है इनके साथ। जैसे देखो नॉर्मली हम बोल भी देते हैं आई विल बी देयर टिल 12 o'clock, यार 12 बजे तक ना मैं वहां पहुंच जाऊंगा, आई विल बी देयर टिल 12 o'clock, क्लियर। सो वहां पे टिल हम यूज करते हैं टाइम को डिनोट करने के लिए, क्लियर। तो ये दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद टाइम एंड कंडीशन। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, Until I don't inform my teacher, I shall not go out of the institute. बताएंगे सब कहाँ पे आ रहे हैं। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। Which option is incorrect? आपका नाम क्या है? लवप्रीत, बताओ लवप्रीत। ऑप्शन ऑप्शन सोच रहे हो? सोचो सोचो। हाँ जी, अब वो आपको जो लगता है आप बताओ। हाँ वो चीज नहीं, ये कॉन्सेप्ट टू है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो, आप ठीक बोल रहे हो, वो नहीं है। हाँ जी ठीक है, आपको हाँ जी तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, उसमें क्या है, ठीक है गलत है जो आपको लगता है आप बोलो। आप डी बोल रहे हो, आपने नो एरर बोला, आपको क्या लगता है जल्दी बोलेंगे सावस जी? वाई डी, लप्रीत जी मैंने आउटसाइड और इनसाइड आपको प्रेपोजिशन में उस दिन बताया था कि आउटसाइड और इनसाइड किस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, मैंने बोला था उसके लिए बाउंड्री का होना मैंडेटरी है, याद है? मैंने वो रामायण वाला एग्जांपल भी दिया था दैट रावणा इज स्टैंडिंग आउटसाइड द लक्ष्मण रेखा, है ना। सो इनसाइड आउटसाइड के लिए बाउंड्री का होना मैंडेटरी है, जैसे ये डोर की बाउंड्री है तो यहाँ कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है तो मैं बोलूँगा अ स्टूडेंट इज सिटिंग इनसाइड द डोर, ये बाउंड्री आ गया, ठीक है। तो आउटसाइड यहाँ क्यों डाल रहे हो, ये ठीक तो है आउट। अरे इतना कॉमन एरर है इसमें, और मे बी मैंने शायद आपको पहले भी कभी बताया हो, ठीक है। अरे अनटिल खुद में नेगेटिव होता है, इसके डोंट क्यों आएगा यार, नेगेटिव नहीं, अनटिल खुद में नेगेटिव नहीं होते इंग्लिश में कुछ वर्ड्स। अभी मैंने इससे पहले देखो एक एग्जाम्पल लिखवाया आपको, उससे पीछे जैसे लिखवाया एक दो सेंटेंस पहले कि डोंट गो हेयर एंड देयर, आगे मैंने क्या बोला, क्या मैंने वो अंटिल आई डोंट कम बोला? नहीं बोला ना, तो फिर अंटिल आई कम इट मींस वो अंटिल ऑलरेडी इट सेल्फ नेगेटिव है। कुछ इंग्लिश में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कभी भी कोई नेगेशन नहीं लगता, ना तो आप डोंट लगा सकते हो, ना आप डिंट लगा सकते हो, ना हैजंट लगा सकते हो, ना हैवंट लगा सकते हो, ना अरंट लगा सकते हो, ना वरंट लगा सकते हो, ना वॉजंट लगा सकते हो, क्योंकि ये वर्ड्स खुद में ही क्या होते हैं, नेगेटिव। अब आप सारे नेगेटिव वर्ड्स की लिस्ट लिखो कॉपी पे, लिखिए। हाँ जी मैंने आपको बताया ना कि टिल थोड़ा लास्ट में यूज होता है, जैसे आई विल बी देयर टिल 12 o'clock, इस सेंस में लगता है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। अनटिल ऐसे केसेस में लगाया जाता है जैसे ये लिखा है मैंने, इससे ऊपर भी दिया मैंने, है ना, क्या बोला मैंने, डोंट गो हेयर एंड देयर। टिल आई कम भी इज ऑल्सो करेक्ट देयर, टिल आई कम इज ऑल्सो करेक्ट देयर, अनटिल आई कम इज ऑल्सो करेक्ट देयर, टिल भी वहां गलत नहीं होगा, ठीक है, बट ज्यादातर उस कॉन्टेक्स्ट में अनटिल यूज मिलेगा। हाँ देखो मैंने उससे पहले दिया था एग्जाम्पल, पहले था ना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं आगे लगा है उसकी कोई प्रॉब्लम, कहीं इसमें भी तो देखो यहां शैल नॉट लगा है तो मैं इसको थोड़ी ड्रॉप करूंगा। इमिडिएट नेगेशन नहीं होना चाहिए, एकदम बाद नेगेशन नहीं होना चाहिए, वो गलत होता है, क्लियर। तो आप सारे नेगेटिव वर्ड्स हेडिंग दो कॉपी पे, लिखिए नेगेटिव वर्ड्स लिस्ट,
नेगेटिव वर्ड्स लिस्ट, देखेंगे अंटिल अनलेस हार्डली बेयरली स्कैर्सली, आपको कल भी बताया था कि ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना, मुश्किल से नेगेटिव सेंस, नो सूनर फॉरबिड इफ नॉट सो दैट लेस्ट एक्सेट्रा. What is the meaning of forbade? Forbade means what? Mana karna, exactly. What is the second and third form of past and past participle of forbade? What is the past and past participle of forbade? Forbid, forbade, forbid, forbidden. Likh lo, side mein. फॉरबेड फॉरबिड फॉरबिडन, जो चीज नहीं क्लियर है उसको लिख लीजिए, कोई बुराई नहीं है, घर पे जाके उन चीजों को पढ़ो, वर्कआउट करो उन पे, तब तो इंप्रूवमेंट लगेगी ना आपको. मना करना होता है. अब इसका सेंटेंस एक बार क्वेश्चन आ जाता है, फॉरबेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस पर्टिकुलर वर्ड अंटिल पे भी आता है जैसे मैंने यहां लिखवाया था आपको, ठीक है. तो फॉरबेड पे जैसे मैं बोल देता हूँ, माय फादर forbid me not to smoke. My father forbid me not to smoke. तो इस सेंटेंस में एग्जामिनर आपका क्या चेक कर रहा है कि क्या आपको इस नेगेटिव लिस्ट का नॉलेज है. अरे यही तो चेक कर रहा है ना यार. वो क्या कर रहा है, सेकेंड फॉर्म भी दे रहा है इसकी forbid की और साथ में not भी डाल के दे रहा है, मतलब डबल नेगेशन डाल रहा है. तो आपसे वो ये जानना चाहता है कि आप क्या, आपको पता है क्या, आप जानते हो कि इंग्लिश में कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम कभी भी क्या नहीं लगाते, नॉट नहीं लगाते, डोंट नहीं लगाते, डजंट नहीं लगाते, हैवंट हैजंट वॉजंट वरंट, किसी भी टेंस का नेगेशन नहीं आएगा. क्योंकि अगर मैं यहां फॉरबिड भी यूज करता हूं और नॉट भी यूज करता हूं तो दो डबल नेगेशन हो जाएगा और आपका सेंटेंस यहां पर गलत हो जाएगा. तो ये की पॉइंट्स है. इस पे नेगेटिव लिस्ट पे भी ये क्वेश्चन हिट होता रहता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में. अब किस एग्जाम में कौन सी बात पूछ लेता है वो उसका माइंडसेट है जो पेपर सेट करता है ना. कॉन्सेप्ट तो यही है ना इंग्लिश में, है ना, कुछ प्रोनाउंस के हैं, कुछ प्रेपोजिशंस के हैं, कुछ आर्टिकल्स के हैं, कुछ एडवर्ब्स के हैं. तो स्टेट के एग्जाम में सिलेक्टेड होता है कि एक आधा क्वेश्चन क्लॉज पे जरूर पूछेगा, है ना, क्वेश्चन टैग पे जरूर पूछेगा, जो इजंट ही लगाते हैं, वॉजंट ही लगाते हैं, कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म वाला, है ना, ही स्लिपिंग इजंट ही इजंट स्लिपिंग इज ही, वो टैग बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, है ना. उस पर एक सवाल पंजाब एग्जाम्स में, स्टेट हरियाणा के होते हैं पेपर, ठीक है, वो टैग पे जरूर पूछता है. और उस पर ये जो HSSC हुआ था हरियाणा में, इसमें इसकी कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म पे बहुत आता है, एम नॉट की. बताएगा कोई बच्चा एम नॉट की कॉन्ट्रेक्शन क्या होती है? अरेंट, ठीक है. वहां पे सेंटेंस ऐसे डाल देगा, बोलेगा आई एम हैप्पी, टैग डाल देगा चार, ए ain't I, B aren't I, C या D में कुछ गलत टैग दे देगा उठा के, wasn't दे सकता है, कुछ भी दे सकता है. तो यहाँ पे मोस्टली बच्चे, क्योंकि स्पीकिंग में हम ये ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं ain't I, है ना, लेकिन रिटन इंग्लिश में am not का कॉन्ट्रैक्शन ain't है ही नहीं, B करना है हमने आंसर, ठीक है. तो इस राइट कॉन्ट्रैक्शन इज aren't. आर नॉट की भी RNT होती है, ध्यान रखना आपने. आर नॉट और एम नॉट की कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म सेम होती है, क्लियर. तो ये काफी पूछता है, मैंने कई बार देखा है स्टेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है. जैसे वो फिर केस पे पूछ लेता है प्रोनाउन के, कि इट्स मी नहीं होता, इट्स आई होता है, वो वाला क्वेश्चन समटाइम्स आता है. इफ आई वर हिम, इफ आई वर हिम नहीं, इफ आई वर ही,
वहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगता है। प्रनाउन के दो तीन ऐसे पॉइंट है वहाँ पे भी क्लिक मारता है, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से उठाता है क्वेश्चंस, वो विद जोड़ता है, अलॉन्ग विद जोड़ता है, तो फिर हम पहले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे राम अलॉन्ग विद हिज फादर इज गोइंग टू मार्केट, राम अलॉन्ग विद हिज फादर, तो अलॉन्ग विद जोड़ रहा है ना दोनों को, तो पहले के हिसाब से वर्ब अग्री करेगी आगे, है ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, ऐसे कर करके एक एक सवाल वहां से, एक सवाल वहां से, ऐसे पेपर सेट। बैंक में क्या होता है, बैंक के एग्जाम्स में करंट पे आते हैं, एरर आते हैं, बट वो करंट हैपनिंग्स पे आते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में कहीं विजिट किया है तो उस पर कोई फिलर्स आ जाएगा। करंट जो हैपनिंग है ना, करंट जो इंग्लिश है, ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आते हैं बैंक के एग्जाम्स, वी कैन से। क्लियर। जो आजकल जो हो रहा है, अब कोरोना वायरस फैला था तो उस पर क्लोज टेस्ट आ सकता है, उस पर पैरा जंबल्स आ सकते हैं, करंट हैपनिंग पे आएगा ना, समझ रहे आपकी बात। कोई इकोनॉमिकल वे में कुछ हुआ है, हैपनिंग, कुछ मुद्दा उठा है, लेकिन इकोनॉमिकल न्यूज़ जब मैं पढ़ूंगा तभी तो मुझे पता लगेगा ना कि इकोनॉमी में हो क्या रहा है कि नहीं, उसमें उस हैपनिंग पे पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे नॉट को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये एक इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है। ये नेगेटिव वर्ड्स मैंने सारे ही आपको लिख के बता दिए, वैसे यहाँ पे अनटिल अनलेस टिल का कॉन्सेप्ट चला था, लेकिन मैंने नेगेटिव के साथ सारे जोड़ के आपको बता दिए, क्लियर। विच आर द नेगेटिव वर्ड्स, इनके साथ आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, कभी भी इनके साथ नॉट नहीं लगाना है, इन शब्दों के साथ ना ही कभी डोंट लगाना है, क्योंकि ये खुद में ही क्या होते हैं, नेगेटिव, क्लियर। तो नॉट यहाँ पे ड्रॉप कर लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, तीन कॉन्सेप्ट हैं अनटिल अनलेस के, पहला बता दिया टाइम एंड कंडीशन, सेकेंड आई टोल्ड यू नेगेटिव वर्ड्स, एंड थर्ड एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज दिस, वो है ये, देखना। जैसे मैं बोलता हूं, बताएंगे कहां पे प्रॉब्लम है। नाउ अनलेस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अनलेस अपनी जगह सही लग रहा है, क्योंकि कंडीशन है इसमें, कंडीशन है ना, बात तो यही है, पीछे भी लिखवाया था। अब बताओ, जब आपको मैंने बोला कि इसके इमीडिएट नेगेशन नहीं होगा, आगे पीछे की वाली बात ही नहीं, आप फिर भी आपको समझ नहीं आ रही बात, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला इमीडिएट नेगेशन नहीं हो सकता, कहीं आगे जाके रहा तो तुम लोग क्या उस कांट को हटाओगे वहां पे, नहीं गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आप बताएंगे, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी अनटिल अनलेस पे, सबसे पहला सेंटेंस देखो क्या लिखवाया, चेक द सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, क्या वो सेंटेंस और ये सेंटेंस करेक्ट करने के बाद सही है, करेक्ट किया था हमने, मैंने अनटिल ही दिया उसमें, अनटिल ही हमने क्या लगाया था, अनलेस, ठीक है, मान लो वहां पे अनलेस ही दिया था मैंने पहले। अब इसको पढ़ पढ़ के दिखाओ, वो वाला सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम है, सेम है, मतलब आंखें होते हुए भी अंधे हो, पढ़ना जरा सेंटेंस क्या था, रीड द सेंटेंस, अनलेस से पढ़ो ना। तो क्या मैंने वहां ऐसे बोला अनलेस यू विल वर्क हार्ड, ये विल नहीं लग दिख रहा है आपको यहां पे, क्या मैंने वहां फ्यूचर दिया है, फ्यूचर विल शेल क्या बताता है, श्योरिटी, और ये क्या है, कंडीशन, कंडीशन के साथ कभी श्योरिटी इंग्लिश में आ ही नहीं सकती यार। अरे ये इमेजिनरी वर्ड है, कंडीशन मतलब इमेजिनेशन, इमेजिनेशन फ्यूचर लेती नहीं है कभी अपने साथ, इफ यू विल गो देयर थोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफ यू गो देयर यू विल मीट हिम, वी नेवर स्पीक लाइक दिस, इफ यू विल गो देयर यू विल मीट हिम, ये गलत है, क्योंकि इफ इज कंडीशन एंड विल इज श्योरिटी, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कभी अपने साथ फ्यूचर टेंस नहीं लेती, प्रिंसिपल क्लॉज में फर्दर आगे फ्यूचर टेंस लगता है, क्लियर। सो हेयर अनलेस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, बट दिस विल इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिकॉज कंडीशन कभी अपने साथ फ्यूचर लेती नहीं, ठीक है। अब कंडीशनल वर्ड्स हेडिंग दो ऊपर कॉपी पे, कंडीशनल वर्ड्स,
विच आर द कंडीशनल वर्ड्स, इन सारे जो मैं वर्ड्स अभी बोर्ड पे लिखूंगा इनके साथ आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी इंग्लिश में इन शब्दों के साथ फ्यूचर टेंस नहीं आता, पास्ट आएगा, प्रेजेंट आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा। वो क्या आएगा वो मैं बता दूंगा, लिखते चलना कौन कौन से इमेजिनरी वर्ड होते हैं। बाय द टाइम, इन केस, ऑल्दो, दो, एज दो, सपोजिंग, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, until, unless, if, when, ये वर्ड्स हैं कुछ, if हो गया, when हो गया, ठीक है, provided, हिंदी में एक वर्ड होता है बशर्ते, सुना कभी, provided, प्रोवाइडेड दैट भी लगा देते हैं कई बार, प्रोवाइडेड अकेला भी लगा देता है, प्रोवाइडेड दैट भी होता है, ठीक है, कि आप मेरी बाइक ले जाओ बशर्ते यार कल तक ना इसको वापस कर देना, प्रोवाइडेड हम उस सेंस में लगा देते हैं, क्लियर। तो प्रोवाइडेड ये सारे वर्ड्स प्लस करके आप लिखेंगे आगे, लिख लीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, नहीं लगाना गलती से भी। फर्स्ट फॉर्म ले सकते हैं, सेकेंड फॉर्म ले सकते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं बाय द टाइम वी गो देयर, बाय द टाइम वी गो देयर, तो मतलब मैं फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं, है ना, बाय द टाइम के साथ मैंने क्या लगाई, फर्स्ट फॉर्म, बाय द टाइम वी गो देयर, तो फिर पहले अगर प्रेजेंट आया इसके साथ यहां पे, तो आपने आगे इसके साथ कनेक्शन बनाना होता है इस टेंस का, आगे लगता है फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं लगाना, वहां लगता है फ्यूचर परफेक्ट, इसके साथ उसका लिंक है टेंस का। अब मैं इस पे एग्जांपल आपको देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं बाय द टाइम वी वेंट देयर, वेंट मतलब सेकंड फॉर्म, तो फिर लेटर ऑन हमने कभी फ्यूचर नहीं लगाना, लगाना हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये टेंस का कनेक्शन है इन सारे वर्ड्स के साथ, इफ यू गो देयर, ठीक है, या कुछ और सेंस में, तो वो हमने वैसे बनाना है। तो बाय द टाइम के साथ आप दो सेंटेंस लिख लो जल्दी से, लिखना क्वेश्चन, देखो बाय द टाइम वी एंटर द सिनेमा हॉल, वी एंटर द सिनेमा हॉल, द मूवी विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। बाय द टाइम वी एंटर सिनेमा हॉल, वी एंटर द सिनेमा हॉल, द मूवी विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। देखो ये जो टेंस का कनेक्शन है, ये मैंने इस सेंटेंस में इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया, एंटर आ गया, आगे विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्यूचर परफेक्ट आ गया। दूसरा लिखना बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकेट्स, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया मैंने सेंटेंस को, बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकेट्स and entered the theater, and entered the theater, the movie had already started, the movie had already started। देखेंगे इस सेंटेंस में क्या मैंने ये सेकेंड फॉर्म वाला ट्रिक अप्लाई किया कि नहीं किया, हुआ अप्लाई या नहीं हुआ, हो गया। ये टेंस का कनेक्शन है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, सारे इमेजिनरी वर्ड्स होते हैं। इसके साथ मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको साइड में यहां लिख के बता देता हूं, इसी से निकला है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ये जो सपोजिंग होता है और ये जो इफ होता है, ये कभी इकट्ठे नहीं लगते एक साथ, ऐसे लिख लो कॉपी पे, सपोजिंग अब्लिक इफ कैन नेवर बी यूज टूगेदर, supposing oblique if can never be used together,
सपोजिंग और इफ कभी भी एक साथ इकट्ठे यूज नहीं होते इंग्लिश में, ठीक है। वैसे ना मोस्टली जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी जुबान पे आ जाते हैं इकट्ठे, लोग बोलते हैं वैसे सपोजिंग इफ आई वॉज गोइंग द, है ना। बट ध्यान रखना है, सपोजिंग इफ एक साथ दे रखे हो तो आपने दोनों में से ना एक ही लगाना होता है, या तो आप इफ को उड़ा दो वहां से, ड्रॉप कर दीजिए, या तो आप सपोजिंग को ड्रॉप कर लो। क्लियर? तो तीन कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिए आज अंटिल और अनलेस पे, ठीक है। पहला मैंने बताया टाइम और कंडीशन, सेकंड आई टोल्ड यू नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है। कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिनका ध्यान रखना है, वी हैव टू कीप ऑल द नेगेटिव वर्ड्स इन अवर माइंड, कौन से नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनका नेगेशन नहीं होता, ठीक है। और थर्ड कॉन्सेप्ट है कंडीशन का, क्योंकि अंटिल अनलेस दोनों ही टाइम और कंडीशन के वर्ड्स होते हैं तो इनके साथ कभी फ्यूचर नहीं आता, लेकिन अंटिल अनलेस के अपार्ट मैंने जितने भी वर्ड्स थे वो सारे आपको लिख के बता दिए। इफ के साथ नहीं लगता, वेन के साथ कभी नहीं लगता, ऑल दो के साथ नहीं लगता, दो के साथ नहीं लगता, सपोजिंग के साथ नहीं लग सकता, इन केस के साथ नहीं लग सकता, है ना। ये सारे क्या हैं? कंडीशनल वर्ड्स हैं। एज सून एज आई रीच द स्टेशन, कभी ऐसे नहीं मिलेगा आपको एज सून एज आई शैल रीच द स्टेशन, नहीं आएगा। एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, वही वाला शॉर्टकट। फिर एज सून एज आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, वर्कआउट है, चीजों पे वर्कआउट है, तब लिंक डोएंगी ना चीजें। फिर जब आप ये लिंक करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कमांड बनने लग जाएगी उस सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो चीजें तभी लिंक हो पाती हैं जब आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज है, जब आपने उसको थॉरली स्टडी किया हुआ है ना। तो थॉरो स्टडी में बिलीव करो, ठीक है, तब जाके आपके एग्जाम्स क्रैक होंगे, ठीक है। बिलीव इन डीप स्टडी, हमेशा आपको थॉरली चीजों को पढ़ना चाहिए। जीएस है तो बहुत थॉरो पढ़ो अगर आपने स्टेट का एग्जाम हिट करना है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि स्टेट के एग्जाम्स तभी क्रैक हो सकते हैं जब आपको आपकी जीके का लेवल बहुत अच्छा है, उस लेवल की आपको यूपीएससी लेवल की जीके जो आपने जीएस करनी पड़ेगी, तब आप सोच सकते हो कि हाँ यार कि मेरा स्टेट का एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास हो, क्योंकि स्कोरिंग तो वही है ना वहाँ पे, एप्टीट्यूड तो कम है वहाँ पे, इंग्लिश थोड़ी सी है, रीजनिंग थोड़ी सी है, मैथ थोड़ा सा है, कंप्यूटर भी आता है ना, थोड़ा बहुत आता होगा, है ना। तो वही है, तो मेनली तो इसमें 40-50 मार्क्स की तो जीएस रहती है आप, इसमें आपको स्टेट की जीके भी कवर करनी है और जीके में कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। अब की बार देखो सीडीएस में करंट हैपनिंग्स पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे करंट के, और करंट ऐसा नहीं कि अभी एक दो साल का, 2016 से था उतना पिछला, तो क्या क्या चैलेंज है, कॉम्पिटिशन है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है, है ना। तो वी कांट प्रेडिक्ट द थिंग्स, ओके, सो वी हैव टू जस्ट डू अवर बेस्ट, हमें अपना बेस्ट देना है बाय डूइंग हार्ड वर्क, क्लियर। तो बाकी करेंगे नेक्स्ट वीक, कंजंक्शंस ऑलमोस्ट से डन है, जितना मैंने आपको बताया, दो क्लासेज होगी 2 आवर्स की, क्लियर। पहले में मैंने आपको पेयरिंग बता दी थी, थोड़े से फंक्शंस बता दिए थे, आज मैंने ये अंटिल अनलेस का कॉन्सेप्ट उठाया था इस क्लास के लिए, और इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे फिर, ओके।